तो जैसे कि आप सभी जान ही रहे कि जो 12th जो इस बार पास किए हैं 2023 में, सभी गर्ल्स लोग जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई भी डिवीजन है, तो उन सभी के लिए पैसा मिलने के लिए जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप हो रहा है जो 25,000 रुपये के लिए है। तो जो मैंने पिछला वाला एक वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके बताया था कि आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका पेमेंट के लिए आगे का प्रोसेस करना होता है, जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाने के बाद। तो मैंने 6 से 7 दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे आएगा। ठीक है, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, तो मैं चलिए आपको आगे का प्रोसेस, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आने के बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट ही मिलता है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कैसे करना है उन सभी का कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया, मन में किसी भी तरह का सवाल आए तो कमेंट एक बार जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। जो 10वीं क्लास वाला या स्टूडेंट है उन सभी के लिए जो 2023 में स्कॉलरशिप ऑनलाइन होगा तो उसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, मैं आप सभी को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जैसे आप घर बैठे इसी तरह से ऑनलाइन कर सकते जैसे मैं आपको 12th वालों को बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना है, मेधा सॉफ्ट BIH.NIC.IN, इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा है 4/2023 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बालिका प्लस टू प्रोत्साहन योजना, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, स्क्रॉल करने के बाद मैंने आपको बता दिया था इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र आईडी और पासवर्ड जाने के बाद यानी कि आ जाएगा तो उसके 7 दिन के अंदर आपको फॉर्म को सबमिट करना अनिवार्य है, नहीं सबमिट करेंगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, आपको दोबारा से सबमिट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आ चुका है मेरे पास, इस पर क्लिक करूँगा, या तो आप नीचे से भी स्टूडेंट लॉगिन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, इसका लिंक भी वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाल दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट इस पर आ जाइएगा। यहाँ पर अपना यूजर आईडी जो आया है उसको डालिएगा, इसके बाद पासवर्ड डालिएगा, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैंने अपना यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिलअप कर लिया हूँ, लॉगिन का सेक्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा डिटेल आएगा जो आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे आपको मिलाने के लिए मिल रहा है। आप जो ने जो भी डिटेल आपने पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है वही डिटेल केवल यहाँ पर रहता है जो आपको फिलअप किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट बैंक वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर फाइनल एप्लीकेशन है, फाइनल वाला पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद पेज आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको सब चेक बॉक्स कर लेना है यहाँ पर रीड करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल आपको फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो डिटेल्स आपको फिलअप करना है यहाँ पर यानी कि आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपलोड में टोटल आपको डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करना, टोटल मार्क्स 12th का यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा। जो यहाँ पर आपको यस या नो के रूप में रहेगा, जो आपको डिटेल आपने जो फिलअप किया है क्या वो सही है, हाँ या ना, तो यहाँ पर जवाब देना है। तो मेरा सारा डिटेल सही है, सही होने के लिए आपको यस पर क्लिक कीजिए, या तो आपका जो भी यहाँ पर है इस तरह से आप अपना फिलअप कर लीजिएगा। जो डिटेल आपका यह है यहाँ पर आप रीड कीजिएगा, रीड करने के बाद आपको सारा यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा यस नो पर क्लिक करके शो कर देता हूँ। तो यहाँ से पूरा रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद यहाँ पर यस नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको रोटेशन करता हूँ, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसके वजह से नहीं दिखा रहा, चलिए आपको रोटेशन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन दिया गया, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पेज ओपन हो जाएगा ऐसा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल रहता है मिलाने के लिए, जो भी डिटेल होगा यहाँ पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ से। तो चलिए मैं ओटीपी डाल लेता हूँ, इसको वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल लिया है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक करूँगा, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, 100% सही हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब वेट करना है आपको पैसे के लिए। तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, जैसे आपको स्टेटस चेक करना होगा कैसे पैसा मिलेगा। तो यहाँ से PDF आप क्रिएट कर लीजिएगा, PDF करके आपको यहाँ अपना सेव करके रख लीजिएगा। तो ऐसे आप एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर सकते हैं।